हाय फ्रेंड्स, जियो को मार्केट में आने में एक साल से ज़्यादा हो चुका है और जियो अब मार्केट में अपना स्थान बहुत पक्का कर चुका है। इसी कड़ी में एक कड़ी हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने 21 जुलाई को अपने 4G जियो फोन के लॉन्च के दौरान बताया था कि जियो फोन इफेक्टिव 0 रुपए की कीमत के साथ आएगा। इसके लिए शुरुआती समय में 1500 रुपए देने होंगे और 36 महीने के बाद ये रकम रिफंड होगी। रिलायंस ने अपने जियो फोन की डिलीवरी शुरू कर दी है और अब रिलायंस जियो फोन ने अपने फीचर्स फोन की रिटर्न पॉलिसी में बदलाव किया है। इस नई पॉलिसी में जियो यूजर्स तय वक्त 3 साल यानी 36 महीने से पहले ही जियो फोन वापस कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक जो भी यूजर्स अपना जियो फोन पहले साल में ही रिटर्न करेंगे उन्हें कंपनी की ओर से कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ही 1500 रुपये का GST टैक्स भरना होगा। वहीं अगर यूजर्स 12 से 24 महीने यानी 1 साल के से 2 साल के भीतर ये फ़ोन रिटर्न करता है तो उसे 500 रुपये का रिफंड रिलायंस जियो की ओर से दिया जाएगा। अगर कोई कस्टमर ये फ़ोन 24 से 36 महीनों के भीतर रिटर्न करता है तो उसे कंपनी की ओर से 1000 रुपये रिटर्न मिलेंगे। वही कोई कस्टमर अगर 36 महीने के बाद अपना स्मार्टफोन रिटर्न करता है तो उसे पूरे 1500 रुपये का रिफंड मिल जाएगा। ये जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट में डालना ना भूलिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।